오케이? 뭐 캐시 토레드. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचर एंड वी ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 1.5 साल से जापान में रहती हूँ और इस दौरान मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस करती हूँ उसे इस चैनल पे शेयर करती हूँ। अगर आप इंडिया से फर्स्ट टाइम जापान आते हैं तो आपको कुछ टाइम तक काफ़ी सारी चीज़ें सरप्राइज लगेंगी, क्योंकि जापान जो है इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। सो अगर आपको जापान से रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है, जापान के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा इंडिया को मिस करती हूँ, लेकिन इस सीज़न में कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ, क्योंकि इस सीज़न में आम मिलता है और आम सारे लोगों को पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। सो मैंने जापान में ही इंडियन मैंगो ऑर्डर किया है और अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है। जापान में काफ़ी सारे इंडियन ग्रोसरी शॉप्स हैं जो कि इंडियन ग्रोसरी प्रोडक्ट को पूरे जापान में डिलीवर कराते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो ये जो इंडियन शॉप्स है वो सीजनली इंडिया से कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हैं और पूरे जापान में डिलीवर कराते हैं। हमने ये मैंगोज वहीं से ख़रीदा है। कितना अच्छा दिख रहा है मैंगो। वाव, तो अगर आप भी जापान में रह करके इंडियन मैंगोज को मिस कर रहे हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे इंडियन मैंगोज का मजा ले सकते हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने और खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ।
दोस्तों को क्या खाना है। हाय हाय कर दो। हाय अच्छे से बैठ जा। क्या खाएगा? सॉस। हाय भी अच्छा है। और उधर देख के बता दो कैसा लग रहा है। दादो वहाँ पे हम मैंगो खाते हैं। इंडियन मैंगो का बात ही कुछ और है। हर्ष को खिला देते हैं। कैसा लगा मैंगो? हर्ष को मैंगो यम्मी लगता है? आता लगता है, यम्मी नहीं लगता है। यम्मी डू यू लाइक मैंगो? Do you like mango? Do you? Yes, I do. Yes, I do. Yummy. So guys, खाना खाने के बाद मैं और हर्ष सो गए थे। क्या कमाल की नींद आई थी। So अभी हो चुकी है इवनिंग। मैं जा रही हूँ मैंगो कुल्फी बनाने। गर्मी में ठंडे ठंडे कुल्फी का मज़ा लेने। तो चलिए चलते हैं। वैसे गर्मी अभी उतनी है नहीं यहाँ पे जितनी कि इंडिया में इस टाइम में होती है। बेजोड़ वाली गर्मी होती है इस टाइम पे। तो चलिए चलते हैं किचन में मैंगो कुल्फी बनाते हैं। पकड़ो, बस पकड़ेगा। यम्मी आता लगा है। तो गाइज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको ये सिंपल सा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड बैक टू बैक काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है रिलेटेड टू जापान। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मदनी बाय बाय।